हेलो दोस्तों, आज हम कुछ अलग बनाने वाले हैं। जैसे कि 2D शेप का हमने देखा था लास्ट वीडियो में, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उसके साथ कुछ ऑब्जेक्ट भी बनाएंगे। जैसे कि ये हम देख सकते हैं, एक स्टार टाइप का है। वैसे तो ये 3D में है, लेकिन हम इसे 2D शेप में क्रिएट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे स्टार है तो मैं टॉप व्यू में आ जाता हूँ, और यहाँ पे हमें स्टार का ऑप्शंस है पहले से ही, तो इसमें मैं क्रिएट कर रहा हूँ। इसमें फर्स्ट क्लिक किया, अब ये सेकंड क्लिक, तो जाके ऑब्जेक्ट अपीयर हो गया। W और इसको 0 0। ओके, अब इसमें क्या है कि कॉर्नर्स जो है बाय डिफ़ॉल्ट 6 है, लेकिन हमें चाहिए ओनली 5, जैसे कि इसमें बताया गया है। ओके, तो 5 कॉर्नर्स चाहिए, तो यहाँ पे हम 5 कर देंगे, लेकिन इसका जो पॉइंट है अपर वाला हमें स्ट्रेट चाहिए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, रोटेट करेंगे। अब रोटेट में हमें परफेक्ट वैल्यू नहीं पता चल रहा, तो यहाँ पे स्नैप एंगल टॉगल ऑन कर देंगे। इसमें क्या होता है कि राइट क्लिक करके सेटिंग भी कर सकते हैं एंगल्स। अब 55 डिग्री के एंगल्स हैं। अब इसको बाई डिफॉल्ट रहने दे रहा हूँ और मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे दिक्कत है कि ये 15 और 20 के बीच में आना चाहिए। ओके, तो इसे हम क्या करेंगे, 1 कर देते हैं। ओके, 1 डिग्री, तो शायद इजीली आ जाए। ओके, परफेक्ट, हम देख सकते हैं पॉइंट परफेक्ट आ गया है। ओके, अब दूसरी बात इसमें यह है कि रोटेट तो हो गया, बट इसमें काफ़ी और लाइंस भी है जो हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लाइन टूल में जाते हैं, या फिर इसको हम एडिटेबल SP लाइन कर देंगे। तो क्या होगा, ये जो है सेगमेंट, वर्टेक्स सेगमेंट SP लाइन अपीयर हो जाएंगे। अब हमें वर्टेक्स में जाना है और इसमें एक ऑप्शन है क्रिएट लाइन। ओके, क्रिएट लाइन करेंगे। अब इसमें देख सकते हैं कि सारे लाइंस जो है सेंटर में है। ओके, तो मैं पहले सेंटर कर देता हूँ इसको, सेंटर में यहाँ से एक पॉइंट। अब ये क्या कर्व हो रहा है, कर्व नहीं लेना है। तो जब हम क्लिक करें तब यहाँ पे जस्ट क्लिक करें और एस्केप करें। इसमें ड्रैग करके लेने में क्या होगा कि कर्व आ जाएगा, तो बेटर है कि ड्रैग ना करें। अब इसको मैं पकड़ के इसे 0 कर रहा हूँ। ओके, और इसको अभी स्नैप मुझे इस पे करना है, तो स्नैप टॉगल ऑन रखेंगे और यहाँ पर राइट क्लिक करके वर्टेक्स और एंड पॉइंट पे टिक रखेंगे। ओके, तो इसे मैं ऐसे स्नैप कर दे रहा हूँ। अब इसको बंद कर दे रहा हूँ। अब इसमें दिक्कत क्या है कि मुझे सिर्फ सिंगल लाइंस जो है इसे चारों तरफ रोटेट करना है, लेकिन सवाल ये है कि अब ये इसके साथ अटैच है और क्रिएट भी इसी के अंदर किया गया है, तो मुझे क्या करना होगा, SP लाइन में सिलेक्ट, और यहाँ से एक ऑप्शन आता है डिटैच। डिटैच से क्या होगा, ये यहाँ पे ऑप्शन आएगा, तो इसे हम ओके कर देंगे। डिटैच से ये होगा कि ये ऑब्जेक्ट अलग हो जाएंगे और ये स्टार अलग हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा सेंटर पॉइंट है पाइवट, तो इसे रोटेट करेंगे। ओके, अब रोटेट हमें कितना चाहिए, 1 2 3 4, 4 पॉइंट्स चाहिए, तो और प्लस 5 ऑलरेडी एक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 360 डिवाइड बाय 5,
72 का एंगल हमें सेट करना है। ओके, तो 72, ओके। अब इसको शिफ्ट के साथ रोटेट करें। कॉपी ही रखता हूँ इसमें, 4 कॉपी। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से आ गया है। अभी अब दूसरा ऑप्शन, दूसरा स्टेप क्या है कि यहाँ पर भी एक लाइन है। अगर हम यहाँ पे देखें तो इधर भी एक लाइन है और इधर भी एक लाइन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बड़े लाइन को पहले क्रिएट करेंगे। ओके, उसके साथ दूसरा लाइन। अब इसमें एक ऑप्शन ऐसा है कि इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, इस लाइन को भी। तो शिफ्ट के साथ, सॉरी एंगल कम कर दे रहा हूँ, 1 रख देता हूँ। ओके, शिफ्ट के साथ इसको रोटेट करेंगे, परफेक्ट 180 डिग्री। ओके, अब वर्टेक्स पे आ जाएंगे, इसको सिलेक्ट, स्नैप टगल ऑन और मूव करेंगे इसको परफेक्टली इधर। ओके, अब क्या होगा, इसमें हमें एक और दो लाइन क्रिएट करने हैं। तो उसके लिए हम इसमें से निकल आते हैं। ओके, वेल, अब सेगमेंट्स लेंगे, इस सेगमेंट्स और इस सेगमेंट को। वैसे तो सारे सेगमेंट्स हम ले सकते हैं एक साथ। ओके, कोई बात नहीं, सॉरी, कंट्रोल जेड। अब ये दो को डिवाइड करेंगे। डिवाइड में क्या होगा कि एक वर्टेक्स यहाँ पे मैंने एक ही रखा है, तो एक ही वर्टेक्स आएगा। अगर मैं दो रखता, एग्जांपल 2 या 3 रखता, तो 3 वर्टेक्स आते। ओके, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही चाहिए था। ओके, फिर हम क्या करेंगे, अब यहाँ से एक और लाइन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम चाहे तो इसका कॉपी भी रख सकते हैं। ओके, कुछ इस तरीके से, और इसको एंगल स्नैप दे सकते हैं। यहाँ पे आएंगे, W। ओके, ये परफेक्ट जो है, लेकिन ये ऊपर है। ओके, तो सबसे पहले हमें ये स्नैप हो गया, और इसमें भी एक डिवाइड देना है। ओके, अब इस पे आ जाएंगे, इस लाइन का वर्टेक्स को पकड़ के स्नैप एस ऑन कर देंगे, स्नैप टॉगल। ओके, क्लिक। ओके, अब इसे बंद, इसे ऑन, अब इसे मिरर देंगे। ओके, मिरर में क्या होगा, कॉपी का ऑप्शन होगा, कॉपी देंगे। ओके, तो दोनों ऑब्जेक्ट आ गए। अब इसमें वर्टेक्स अगर ना भी हो तो कोई परेशानी नहीं है। ओके, डिलीट कर सकते हैं, डिलीट क्लिक करके कीबोर्ड से। ओके, अब हमें क्या करना है, ये तीनों को एक साथ रोटेट करना है। तो सबसे पहले हमें अटैच करना होगा, इसे सिलेक्ट करें, वर्टेक्स पे आए और अटैच। ओके, अब इसे क्या करेंगे, रोटेट, शिफ्ट के साथ 72 डिग्री। ओके, और 4 कॉपी। ओके, तो ये हमारा सिंपल सा एक स्टार जो है कंप्लीट हो गया है, लेकिन इसे अभी हमें रेंडर में देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करते हैं और सबको पहले अटैच कर देते हैं।
अटैच मल्टीपल में जाएंगे, सेलेक्ट ऑल, अटैच। ओके, अब क्या करेंगे इसमें? अच्छा, एक और ऑप्शन बताना चाहूँगा कि जब हम एडिट एसपी लाइन डालते हैं तो इसमें इनेबल रेंडर और इनेबल व्यू पॉट का ऑप्शन नहीं होता है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? स्क्रीन पे राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिटेबल एसपी लाइन। तो ये क्या होगा? एडिटेबल एसपी लाइन। अब हमें ऑप्शन मिल जाएगा रेंडरिंग इनेबल व्यू पॉट, इनेबल रेंडर, दोनों ऑप्शंस। ओके, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से क्रिएट किया है हमने। अब इसमें रेक्टेंगुलर लेंगे और वैल्यू कम कर देंगे, जैसे कि 1 इंच रखता हूँ और इसमें 0.5 इंच रखते हैं और इसमें भी 0.5, ऊपर वाले में 1 इंच कर देते हैं, सॉरी ये ऊपर वाला जो है ये हाइट है, तो हाइट में 0.5 इंच रखता हूँ और विड्थ में 1 इंच रखता हूँ। ओके, कुछ इस तरीके से। अब बाकी रह गया है कि इसमें अंदर ग्लास इफेक्ट आना चाहिए, ग्लास आना चाहिए। वैसे ये 3D शेप है, लेकिन याद रखें हम 2D बना रहे हैं इसका, तो कोई बात नहीं। ग्लास के लिए हम क्या करेंगे, फ़िलहाल इसको व्यूपॉट बंद रखता हूँ मैं, और इसमें जो आउटर शेप्स है स्टार, इसी को फिर से भी बना सकते हैं या फिर हम इसको कॉपी भी ले सकते हैं, शिफ्ट के साथ कॉपी ले सकते हैं। अब कॉपी लेने के बाद इसे डिटैच कर दें, डिटैच का ऑप्शन यहाँ पे है, डिटैच। ओके, तो ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, लेकिन इसका पाइवट अब यहाँ पे है। तो पहले हायरार्की में जाएंगे, अफेक्ट पाइवट ओनली, सेंटर ड्रॉ ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसमें दिक्कत यह है कि सेंटर ऑब्जेक्ट होने की वजह से, स्टार होने की वजह से सेंटर ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे आ रहा है साइड पे। ओके, अगर मैं इसको ज़ीरो करके देखूँ तो पता चलेगा कि परफेक्ट नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि हम क्या करें, इसको सबसे पहले हम 0 0 ले लें और इसको अफेक्ट पाइवट पे जाते हैं, अलाइन करते हैं इसके साथ। अब इसका पाइवट टू पाइवट तो है, बट XYZ अगे ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें वो ऑप्शन नहीं होगा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि एक स्टेप में बैक जा रहा हूँ ताकि इसमें जो पाइवट का ट्रिक इसमें काम नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एसपी लाइन को पकड़ेंगे और इसे ज़ीरो कर देंगे, सबसे बेस्ट और सिंपल। ओके, तो इस पे हमें क्या करना है, इस पे इनेबल रेंडर और व्यू पॉट काम नहीं करेंगे, इस पे हम ग्लास इफेक्ट देने वाले हैं। तो एक्सट्रूड और इसमें वैल्यू दे देंगे, एक्सट्रूड वैल्यू 0.2 इंच या 2-3 इंच, 0.2 इंच रखते हैं। ओके, अब आ जाएंगे इस पे दूसरे वाले ऑब्जेक्ट पे, F3 करके सिलेक्ट कर सकते हैं इसको और इनेबल व्यू पॉट, और इसका कलर चेंज करना हो तो कलर चेंज कर सकते हैं। ओके, इसको भी कुछ चेंज कर देते हैं कलर, ओके कुछ समथिंग। अब इसमें दिक्कत क्या है कि ये बन गया, इसको फ्रंट व्यू में देखें, अब जो हमने ग्लास बनाया था वो ऊपर है थोड़ा सा और ये नीचे है,
यानी कि सेंटर्ड पे है। इसकी जो वैल्यू है हमने रखी है 0.5। तो हमें क्या करना होगा कि जेड एक्सिस में 0.25 अप लेना होगा, और अंदर जो दूसरा ऑब्जेक्ट है जैसे कि ये ग्लास है, ओके, ग्लास को क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हमने रखी है 0.2, ओके, तो हमें इसको मूव करना होगा कितना, 0.1 अगर मैं करता हूँ ऊपर तो भी बॉटम लेवल पे रहेगा, 0.15 करूँगा तो ये सेंटर्ड हो जाएगा। अदरवाइज़ इसका दूसरा तरीका पाइवट से हम कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको बाहर रख रहा हूँ और इसको अलाइन कर रहा हूँ, ओके, तो सेंटर सेंटर और पाइवट, तो ठीक है पाइवट को अलाइन नहीं करेंगे, सेंटर्ड करेंगे, तो सेंटर्ड में यहाँ पे हम देख सकते हैं, ओके, परफेक्टली सेंटर्ड हो गया है। अब इसमें मटेरियल अगर कुछ देना चाहे तो दे सकते हैं, सिंपल सा अभी मैं एक एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ मटेरियल, शिफ्ट है, बाद में रेंडर करेंगे, मटेरियल पे जाएंगे, इसको असाइन, और इसमें कोई कलर दे देता हूँ, ओके, कोई भी कलर लेते हैं सिंपल सा, और इसमें ओपेसिटी कम कर देंगे, और इस पे ओपेसिटी के बाद स्पेक्युलर थोड़ा रखना हो तो रख सकते हैं, रिफ्लेक्शन वगैरह रख सकते हैं, बराबर, तो उसमें क्या होगा कि कुछ ऑब्जेक्ट बाहर है तो रिफ्लेक्ट होगा, और इस पे हम दूसरा मटेरियल असाइन करते हैं और इस पे कोई कलर देते हैं थोड़ा सा, इसे कुछ मेटालिक टाइप का भी बना सकते हैं हम, ओके, तो मेटालिक के लिए ले लेता हूँ, ओके, समथिंग कुछ ऐसा, ओके, सीन क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी सीन क्रिएट करने पे हमें क्या है रिजल्ट अच्छा आएगा, बट सिंपल सा एक रेंडर में कर दे रहा हूँ यहाँ पे, इसे हम देख सकते हैं रेंडर करके, okay, कुछ ऐसा है, ओके, तो कोशिश करें, इसमें और भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, फिलहाल के लिए बस इतना ही रखता हूँ, ओके, ताकि वीडियो जो है काफ़ी लंबा ना हो और हम बहुत कुछ सीख सके आगे। एक रेंडर कर दे रहा हूँ इसका, बैकग्राउंड वाइट कर दे रहा हूँ, ओके, समथिंग कुछ ऐसा, अगर मैं बॉटम में कुछ रख के बताऊँ या फिर इसे ऊपर लेके बताऊँ तो शायद ट्रांसपेरेंसी का इफेक्ट भी पता चल जाएगा जो हमने ओपेसिटी कम करके रखा है, ओके, तो इसको मैं थोड़ा सा इधर रखता हूँ ताकि कि हमें ट्रांसपेरेंसी का जो इफेक्ट है वो पता चल जाए, शिफ्ट F, ओके, और यहाँ पे किया मैंने रेंडर, ओके, हम देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का इफेक्ट, ओके, आज के लिए बस इतना ही, प्रैक्टिस करते रहें और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ओके, फिलहाल के लिए इतना रखता हूँ और बाय, टेक केयर।